हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो इस सेशन में हम बात करेंगे एआई वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये वर्चुअल असिस्टेंट टॉपिक है इसमें हम वर्चुअल असिस्टेंट और साथ ही साथ इसके प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट एंड देन वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट सो समटाइम्स द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ ए आई इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिटल असिस्टेंट और ए आई असिस्िस्टेंट सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर इट्स अ अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दैट अंडरस्टैंड अवर नेचुरल लैंग्वेज थ्रू द वॉइस कमांड्स एंड कंप्लीट्स द टास्क फॉर द यूज़र जो भी हम इस एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हमारे वॉइस को इनपुट करते हैं वो वॉइस कमांड के ऊपर काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसे एआई वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है हमारे वॉइस कमांड को वो हमारे नेचुरल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके आ, हमारे टास्क को कंप्लीट करता है साथ ही साथ वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सारे सर्विसेज़ को प्रोवाइड करता है अगर से आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है बहुत सारे सर्विसेज़ ये वर्चुअल असिस्टेंट आपके बिज़नेस के लिए प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने बिजनेस के एक्टिविटीज़ को और भी स्मूथ और ईजी बना सकते हैं वर्चुअल असटेंट चार्टबबोर्ड कम्बाइंस द वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस एंड चार्ट बोर्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट यानी जो वर्चुअल असटेंट चार्ट है और जो वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेस है इन दोनों के मिश्रण के द्वारा ये वर्चुअल असटेंट चार्ट जो बनाए गए हैं वी ए सर्विसेस और चार्टबोर्ड फंक्शनैलिटी से बनाया गया है जिसको इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स कहा जाता है इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट इसलिए कहा जाता है वॉइस कमांड के ऊपर काम करने के साथ साथ ये क्या है जो कोई भी कस्टमर से संबंधित या यूज़र से संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं उनको सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आंसर प्रोवाइड करते हैं उसी कारण से इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट बोल के कहा जाता है और टाइम टू टाइम अपडेट्स देना हो या फिर आपके फीडबैक को रिप्लाई करना हो या आपके क्वायरीज को रिप्लाई करना हो ये ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटीज अडेप्ट किया गया है इन एक वर्चुअल असिस्टेंट्स में उस कारण से भी इनको इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स कहा जाता है वर्चुअल असिस्टेंट्स आर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द वॉइस कमांड सो वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है एक तो वॉइस कमांड को समझने के लिए इन एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है यूज़र के टास्क को कम्प्लीट करने के लिए टू कम्प्लीट द टास्क फॉर द यूज़र्स जो भी काम यूज़र का होता है उन कामों को परफॉर्म करने के लिए भी इन एक वर्चुअल असटेंट का इस्तेमाल किया जाता है अवेलेबल ऑन मोस्ट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स यानी सभी स्मार्टफोन आजकल जितने भी स्मार्टफोन है टैबलेट है उन सभी के ऊपर आप देख सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की फैसिलिटी दी गई है गूगल असिस्टेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक वर्चुअल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं गूगल में जब भी हम कोई सर्चिंग करना चाहते हैं तो गूगल असिस्टेंट का बटन होता है सो गूगल असिस्टेंट भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है सीरी है अलेक्सा है गूगल होम है अमेजोन इको है तो ये सारे जो है वर्चुअल असिस्टेंट है अलोन डिवाइस जैसे गूगल होम अमेज़ॉन जो आपके इमेज में भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन में जो दो पिक्चर्स दिए गए हैं गूगल होम और अमेजोन इको का तो ये दोनों भी क्या है अलोन डिवाइसेस है अलोन डिवाइसेस यानी इसके लिए कोई कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है अलोन डिवाइसेस है आपके वॉइस कमांड को वो समझते हैं एज अ इनपुट के तौर पर लेते हैं और आपके टास्क को कंप्लीट करके या आपके टास्क को परफॉर्म करने की क्षमता इन एक स्टैंडरलोन डिवाइसेस के पास होती है तो ऐसे जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं हम लोग इस प्रकार से अपने वॉइस कमांड के जरिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं टाइप्स ऑफ ए आई वर्चुअल असिस्टेंट चार्ट के बारे में बात करेंगे तो अलेक्सा श्री गूगल होम ऑल एट होम वर्चुअल असटेंट दैट हेल्प्स द वेरियस आइटम्स सच आज मेकिंग फ़ोन कॉल्स और डिलीवरिंग न्यूज़ यानी कि जितने भी अलेक्सा श्री गूगल वगैरह है ये सारे वर्चुअल असिस्टेंट जो चार्टोर्ड्स हैं इनके ज़रिए हम लोग फ़ोन कॉल करना हो या किसी प्रकार के न्यूज़ को सुनना हो गानों को सुनना हो ये सारे काम हम इन डिवाइस के जरिए कर सकते हैं चार्ट बोर्ड्स के प्रकार देखा जाए तो बिजनेस चार्ट बोर्ड सिंपल चार्ट बोर्ड और स्मार्ट चार्टोर्ड बोल के ये तीन प्रकार के आ, हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट चार्ट बोर्ड्स अवेलेबल है अभी अगर से बिजनेस चार्ट बोर्ड हम इस्तेमाल करेंगे तो बिजनेस के लिए जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें जो असिस्टेंट चाहिए वो असिस्टेंट ये बिज़नेस चार्ट प्रोवाइड करते हैं पर्सनल जो चार्टोट होते हैं पर्सनल टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर से बिजनेस चार्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस में जैसे बताया गया है दे रिले ऑन देम टू हेल्प ऑटोमेट द कस्टमर सर्विस हैज चार्ट बोर्ड्स यानी कि जो भी कस्टमर सर्विस होते हैं हम ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है इन चार्ट बोर्ड के जरिए फॉर एग्ज़ाम्पल वर्चुअल चार्ट बोर्ड कैन हेल्प द बिजनेस अलाउ फॉर इंक्रीज कॉल वॉल्यूम्स वाइल रेड्यूसिंग ऑपरेशन कॉस्ट यानी कि हमारे पास अगर से वर्चुअल चार्टोड है तो वो वर्चुअल चार्ट बोर्ड हमारे बिजनेस में हमारे कॉल uh, के वैल्यूम्स को यानी नंबर ऑफ कॉल्स को इंक्रीज भी करता है और साथ ही साथ हमारे कॉलिंग कॉल्स को यानी कि जो कॉल करने के लिए जो पैसा लगता है जो रिसोर्स लगते हैं जितने व्यक्तिज लगते हैं उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी ये चार्टोड्स रेड्यूस करते हैं हम देखते हैं सारे जितने भी बिज़नेस हाउसेस है सारे लोग बिजनेस चार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस चाट बोर्ड के ज़रिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उनको कम किया जाता है कस्टमर केयर से बात करने के जगह पे आजकल हम चार्ट बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं चार्टोर्ड के साथ बात कर रहे हैं चार्टोर्ड के साथ टेक्स्ट एक्सचेंज करते हैं सो तो जो भी क्वारी देते हैं वो हमें रिप्लाई करता है और हमें आंसर प्रोवाइड करता है जहाँ तक सिंपल चार्टबोर्ड की बात करेंगे तो दी सिंपल चार्टबोर्ड यूज अ प्री कंस्ट्रक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चन प्री कंस्ट्रक्टेड यानी कि इसमें जो प्रश्न होते हैं प्री कंस्ट्रक्टेड प्री कंस्ट्रक्टेड यानी कि ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन इनमें फीड किया जाता है उसी के अनुसार आंसर्स भी उसमें होते हैं आंसर्स थ्रू एन आंसर ट्री where the questions that आर chatbot cannot resolves are routed to live लाइव कस्टमर सर्विस एजेंट यानि कि अगर से आप अपने बिजनेस हाउस में सिंपल चार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल चार्ट बोर्ड क्या करता है जितने भी प्री डिफाइंड इसमें क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं अगर से वही सवाल आप पूछेंगे तो उसका जवाब आपको ये सिंपल चार्ट बोर्ड प्रोवाइड करता है अगर से इसमें जो सवाल है उससे अलग अगर से आपका कोई सवाल होता है तो वो क्या कर देता है चार्ट बोर्ड आपके प्रॉब्लम को तो वो सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि सवाल को समझ नहीं सकता है तो उस समय पे ये चार्ट बोर्ड क्या करता है जब आपके सवालों का जवाब उसके पास नहीं होता है तो आपके कॉल को वो लाइव कस्टमर सर्विस एजेंट के साथ कनेक्ट कर देता है जिससे कि जो कस्टमर आ, सर्विस प्रोवाइडर है या एजेंट है वो आपसे डायरेक्ट संवाद करेगा बात करेगा और आपके क्वायरी को हैंडल करेगा स्मार्ट चार्टोड्स की बात करेंगे तो गो अ स्टेप फर्दर बियॉन्ड अ सिंपल आंसर ट्री एंड स्मार्ट चार्टोड लेवरेज ए आई इंक्लूडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एन एल पी जिसे कहा जाता है मशीन लर्निंग टू बोथ बेटर अंडरस्टैंड द कस्टमर क्वेश्चन एंड इम्प्रूव द वे द चार्टोड रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चन यानी कि चार्टोड जो सिंपल चार्ट बोर्ड है इसके अगर से आगे जाएंगे तो जो आंसर ट्री है ये आंसर अपार्ट फ्रॉम आंसर ट्री को भी आ, ये क्या करता है नेचुरल लैंग्वेज को समझता है जैसे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ कन्नड़ या तेलुगु मराठी में अगर से कोई आ, मैं बात करता हूँ इन चार्टोड्स के साथ तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है हमारे नेचुरल लैंग्वेज को वो समझता है और जो मशीन लर्निंग होता है तो मशीन लर्निंग के ज़रिए एन लैंग्वेज के ज़रिए हम लोग जब इंट्रैक्ट करते हैं तो ये जो स्मार्ट चार्टोड्स होते हैं क्वेश्चंस को समझते हैं कस्टमर्स के और रेस्पॉन्ड करते हैं किस सवाल का क्या जवाब देना है ये स्मार्ट चार्ट बोर्ड्स करते हैं जितने सवाल प्री डिफाइंड किए गए हैं जैसे ट्री स्ट्रक्चर में फीड किए गए हैं जो पूछा जाता है पहला अगर से सवाल पूछा गया तो ये जवाब दूसरा पूछा गया तो ये जवाब सो उनके अलावा भी अगर से कस्टमर कोई नया सवाल पूछता है तो उसके लिए भी ये स्मार्ट चार्ट बोर्ड्स इतने सक्षम होते हैं कि वो आंसरेबल होते हैं इंसानों के जैसे इनके पास भी क्षमता होती है वैसा एक हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें फीड किया जाता है तो उस कारण से ये जो चार्टोर्ड्स होते हैं इन चार्ट बोर्ड्स के ज़रिए एन और मशीन लर्निंग दोनों से बनाया गया है जिससे कि आसानी से ये कस्टमर के क्वेश्चन को समझ सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन या रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं और फ्यूचर में अगर से कोई सवाल का जवाब नहीं है तो उस सवालों के जवाब ढूंढ के दोबारा से अगली बार जब कोई कस्टमर इन्हीं सवालों को रिपीट करता है तो उनके आंसर को ये प्रोवाइड करता है एआई वर्चुअल असिस्टेंट बेनिफिट्स फ़ॉर कस्टमर सर्विस अगर से कस्टमर सर्विस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे कस्टमर सर्विस के लिए अगर से एआई वर्चुअल असिस्टेंट हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहला बेनिफिट कहा जाता है यहाँ पे कि रियल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि रियल टाइम यानी कि जब चाहिए तब आप बात कर सकते हैं आपको कतार में ठहरने की ज़रूरत नहीं है या कॉल लगाने के बाद आपको कस्टमर के जो पर्सन होता है कस्टमर केयर आपको रिस्पॉन्ड करे कॉल लगाने के बाद वो पिक करे आपसे बात करे इसके लिए भी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है रियल टाइम यानी कि जैसे ही आपने सवाल को टाइप किया जैसे ही आपने वॉइस को इनपुट किया आपको ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या करेगा इमिडिएटली विद इन अ सेकेंड आपको आंसर प्रोवाइड करेगा तो ये एक बेनिफिट है बेटर वर्चुअल असिस्टेंट ट्रस्ट एंड कस्टमर इंगेजमेंट सो so, अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि जो भी सवाल आ, के जवाब मिलते हैं इन एक वर्चुअल असिस्टेंट के द्वारा कभी गलत नहीं होते हैं जो भी बिज़नेस हाउसेस सवालों को जवाब ऑलरेडी जो फीड करते हैं बोर्ड्स में वही एक जवाब मिलते हैं यानी कि यहाँ पे एक्यूरेसी की कोई कमी नहीं होगी और हमेशा कस्टमर को ये एंगेज करके रखते हैं डिजिटल असिस्टेंट एक्यूरेसी, सो एक्यूरेसी को भी ये इंप्रूव करते हैं यानी कि किसी प्रकार के गलतियों की संभावना यहाँ पे ना के बराबर होती है सो हियर आर द टेन टास्क फॉर द वर्चुअल असिस्टेंट अगर से वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास है तो हमने यहाँ पे दस टास्क को मेंशन किया हुआ है कि वर्चुअल टास्क कैसे परफॉर्म किया जाता है कौन से दस टास्क है जो वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म करता है पहला जैसे कि ऐड इवेंट टू अ कैलेंडर अगर से कोई इवेंट है और आप याद नहीं रख सकते तो आप क्या कर सकते हैं उन इवेंट्स को आप अपने कैलेंडर में ऐड करके रख सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट जैसे ही वो दिन नज़दीक आ जाएगा आपको रिमाइंड कर देगा ऐड आइटम टू तो डू लिस्ट डू लिस्ट में आपको क्या काम करना है डू लिस्ट आप प्रिपेयर कर लेके सारे आइटम्स को डू लिस्ट में आप ऐड करके रख सकते हैं तो डू लिस्ट के बारे में भी आपको वर्चुअल असिस्टेंट बताते जाएगा कंट्रोल स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे अभी हमने अलेक्सा सिरी वगैरह देखा तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है मे कैन रिसीव द फ़ोन कॉल्स अगर फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना है किसी का कॉल आ रहा है या किसी को कॉल करना है तो आप अपने वॉइस uh, कमांड देंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल करेंगे या कॉल आया है तो रिसीव भी किया जाएगा कोई टेक्स्ट मैसेज आपको क्रिएट करना है तो टेक्स्ट मैसेज क्रिएट करके देगा अगर से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपको डायरेक्शन चाहिए तो वो डायरेक्शन भी वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है अगर से आप समाचार सुनना चाहते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस टास्क को भी वी ए परफॉर्म करता है आपके नज़दीकी होटल्स और रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो ये काम भी करता है फ्लाइट के स्टेटस के बारे में जानकारी हासिल करना है फ़्लाइट बुकिंग करना हो या बुकिंग करने के बाद उसका स्टेटस का जानकारी हासिल करना हो वो काम कर सकते हैं अगर से आपको गाना सुनना आप पसंद करते हो या गाना सुनना चाहते हो तो कोई भी रिक्वेस्ट आप दीजिए किसी भी गाने को प्ले करने के लिए बोलिए तो वो भी परफॉर्म करता है तो ऐसे कुछ दस टास्क को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन दस टास्क को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि ये वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म करता है सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेन टास्क वॉट आई हैव मैंशनड इन दिस स्लाइड So, virtual assistant can perform more than the 10 tasks. So, the most important task I have mentioned in the slide. So, coming to the virtual assistant. So, the first one is the Siri. So, virtual assistant. So, this Siri is uh, developed by Apple company. सो so, सीरी को जो है एप्पल ने बनाया है और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया है मैक या टी टी वी ओ एस वॉच ओ एस डिवाइस के लिए ये सीरी एप्लीकेशन को बनाया गया है और ये इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज़ पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो वॉइस रिकोगनाइजेशन है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है और जो पहला जो सीरी वर्चुअल असिस्टेंट था इसको रिलीज़ किया गया 2011 में तो इमेज भी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आपके पास अगर से एप्पल डिवाइस है तो एप्पल डिवाइस में आपको सिरी वर्चुअल असिस्टेंट मिलेगा सो इस सीरी वर्चुअल असिस्टेंट के द्वारा आप अपने वॉइस को इनपुट दे सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और आपके कमांड को फॉलो करेगा या परफॉर्म करेगा टास्क को जो स, दूसरा है सबसे पॉपुलर वर्चुअल असिस्टेंट है वो है गूगल जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि गूगल जो वर्चुअल असिस्टेंट है गूगल वर्चुअल असिस्टेंट के द्वारा अगेन ये वॉइस इनपुट लेता है और जो भी टास्क आप इसको बोलते हैं जो टास्क आप डिफ़ाइन करते हैं उन टास्क को ये परफॉर्म करता है ठीक है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट रूटीन सो आप सेव करके रख सकते हैं सो तो सेटिंग्स में जाके तो सेव करके रखेंगे तो जो काम आप इससे कराना चाहते हो राइट एंड देन प्ले न्यूज़ बोल के उसके बाद हमने जैसे ही सेव किया तो आप जब भी वॉइस कमांड देंगे तो वॉइस कमांड के जरिए जो भी आप टास्क डिफाइन करके रखते हैं उन सभी को आप परफॉर्म कर सकते हैं सो गूगल असिस्टेंट इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन डेवलप्ड बाई गूगल दैट इज़ प्राइमरीली अवेलेबल ऑन मोबाइल एंड होम ऑटोमेशन डिवाइस सो अभी जो गूगल है जो गूगल नाउ 2012 में इसको बनाया गया था राइट right? और गूगल असिस्टेंट 2016 में बनाया गया तो इस प्रकार से गूगल कंपनी के द्वारा 2012 से इसकी शुरुआत हो गई और गूगल नाव बोल के इसको पहले कहा जाता था और 2016 के बाद से इसको गूगल असिस्टेंट बोल के नाम दिया गया जो तीसरा सबसे पॉपुलर वर्चुअल असिस्टेंट है वो है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी आपने स्मार्टफोन देखा होगा इस्तेमाल किया होगा और इस ब्लैकबेरी वर्चुअल असिस्टेंट को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड uh, ये जो ब्लैकबेरी असिस्टेंट है इट अलाउज़ यू टू ओरली डिक्टेट द टेक्स्ट ओरली मतलब आपके वॉइस कमांड के जरिए ओरली आप डिक्टेट कर सकते हैं या फिर आप कमांड भी दे सकते हैं एंड uh, उसके अनुसार ये रिजल्ट प्रोवाइड करता था तो इसको 2013 में बनाया गया ब्लैकबेरी को और जो चौथा सबसे पॉपुलर है वो है अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट अलेक्सा आजकल बहुत पॉपुलर है आप अलेक्सा आप एडवर्टाइजमेंट uh, में देखते हैं आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे भी आप अलेक्सा uh, का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सो इट इज़ अ वॉइस कंट्रोल्ड वर्चुअल असिस्टेंट दैट कैन कीप यूजर्स ऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्म्ड कनेक्टेड एंड एंटरटेन्ड बेस्ड इन द क्लाउड अलेक्सा कैन बी एक्सेसड थ्रू अ ग्रोविंग नंबर ऑफ स्मार्ट स्पीकरस एंड अदर सी जब अलेक्सा की बात करते हैं तो अलेक्सा जैसे वॉइस कमांड के ऊपर काम करता है इमेज में भी आप देख सकते हैं कि हेलो uh, अलेक्सा बोल के अगर से बोलेंगे तो वो रिप्लाई करेगा रिप्लाई करने के बाद अगर से वॉइस कमांड देंगे तो बेस्ड ऑन वॉइस कमांड क्या करेगा ये एक्ट करेगा और जो भी हम जानकारी चाहते हैं वो जानकारी हमें प्रोवाइड करेगा अगर से गाना सुनना चाहते हैं तो गाना भी सुन सकते हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में अगला जो वर्चुअल असिस्टेंट है कोर्टोना जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया जिसको शुरुआत में आ, कोटोना का 2014 में बनाया गया राइट यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में तो इसकी जो सर्विसेज है ये ख़त्म भी हो गए 2021 में इंट्रोड्यूस हो गया 2014 में और इसके जो पूरे सर्विसेज है उसको एंड किया गया 2021 में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टोना को एंड कर दिया इसके सारे सर्विसेज को 2021 में तो कोर्टोना जो है ये भी एक वर्चुअल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और ये भी एक सर्च इंजन के तौर पर परफॉर्म करता था जो भी काम थे बिंग सर्च इंजन के ऊपर काम करके आपके टास्क को परफॉर्म करता था फेसबुक यम शायद ही आपने नाम सुना होगा वर्चुअल uh, असिस्टेंट है ये भी फेसबुक यम इट प्रोवाइड्स अ कंस्ट्रक्टिव वे फॉर बिजनेस दैट आउटसोर्स फॉर स्किल्ड लेबर एट पॉकेट फ्रेंडली रेट्स यानी कि इसको जो स्पेशली बनाया गया था बिजनेस हाउसेस के लिए क्योंकि जो भी स्किल्ड लेबर होते हैं उनको आउटसोर्स करने के लिए ये फ़ेसबुक यम नामक एक वर्चुअल असिस्टेंट को बनाया गया था और हैंड फ्री जो भी फ़ोटोज़ है वीडियोज़ है कॉलिंग के लिए मैसेजिंग के लिए मैसेंजर के लिए व्हाट्सएप के लिए इन सभी के लिए इस एक वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते थे ये सारे जो सर्विसेज हैं हम इस एक फेसबुक एम में अनेबल कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ 2015 से इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में इसके बाद आया सैमसंग वर्चुअल असिस्टेंट जो कि 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया सैमसंग के वर्चुअल असिस्टेंट को हम बिक्स बाय बोलते हैं बिक्स बाय तो ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जो भी कोरियन फ़ोन्स होते हैं कोरियन फ़ोन्स में बिक्स बाय जो होते हैं उनमें प्री इंस्टॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट है तो सैमसंग का कंपनी है सैमसंग कंपनी के द्वारा जो भी स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं टीवीज़ रेफ्रिजरेटर्स या और कोई डिवाइसेस होते हैं तो उसमें बिग्स बाय बोल के वर्चुअल असिस्टेंट प्री इंस्टॉल्ड होके आता है एक असिस्ट वॉइस असिस्टेंट के तौर पर काम करता है उसी कारण से इसको वर्चुअल असिस्टेंट भी बोलते हैं इसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में मिलेंगे तो अभी तक हमने जो भी वर्चुअल असिस्टेंट पढ़ा है आठ वर्चुअल असिस्टेंट को पढ़ा वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल किया चार्टोर्ड क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल किया इसके बावजूद भी अगर से आपके पास कोई सवाल है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इफ़ यू हैव एनी क्वारी यू कैन राइट इट इन टू द कमेंट बॉक्स एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग Thank you.